आज पूरी देश दुनिया के अंदर एक एक ऐसा चेहरा जो संगीत के माध्यम से पूरी देश दुनिया में राजस्थान की संगीत और कला को एक नई आवाज़ दे रहा है, एक नई दिशा दे रहा है। और जब बोलते हैं तो उनका एक एक शब्द, एक एक सुर पूरी देश दुनिया के करोड़ों फैन फॉलोअर्स के ऊपर छा जाता है और आज उनको चाहने वाले करोड़ों की संख्या में है। आज हमारे साथ सवाई जी भाट है। सवाई जी से हम बात करेंगे, परंतु जी सवाई जी के मामा जी भी हमारे साथ में है और सुजला क्षेत्र के एक जाने माना चेहरा जो हर एक कलाकार से प्यार करते हैं, अनिल जी शर्मा एस मीडिया हमारे साथ है। हम चर्चा करेंगे। सोई जी, हाँ मामा जी जी परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं पहले बात तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो डीडवाना में सारे जितने लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे सब भांजा या भानु हमारे राजस्थानी में बोलते हैं, तो प्यार से भानु बोलते हैं हमें। तो बहुत अच्छा लगता है कि सारे लोग इतना प्यार करते हैं मुझे, और मेरा ननियाल है और मेरा जन्म भी यहाँ का ही है डीडवाना का। तो डीडवाना में सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हमारे ये अनिल मामा जी है जो मुझे बहुत प्यार करते लेडी हैं लेडी भी इनका एक परिवार है। सारे, मतलब जितने भी राजस्थान के लोग हैं सारे मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरी जो ननियाल की जो बातें हैं वो मैं शेयर करता हूँ आपसे कि जो मेरी जो नानी थी, आज जो भी हूँ उनकी बदौलत की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मुझे बचपन से उन्होंने पाला पोसा है और म्यूज़िक में लगाऊँ। कभी भी मुझे परेशान या कभी मुझे ऐसे डांटा नहीं है कि आप म्यूज़िक मत करो, वो मत बजाओ, वो कभी ऐसा नहीं बोला मुझे। और हमेशा मुझे ऐसे बोलते थे कि म्यूज़िक करो, ऐसे फालतू मत फिरो। तो उनकी हर डांट में एक सीख थी, तो उनकी सीख से आज मैं आज इंडियन आइडल के मंच पे जा सका हूँ मैं। और मेरे बहुत ही मेरे छोटे वाले मामा जी दानवीर, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, सपोर्ट करते रहते हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे मुझे। तो देखते हैं कि मेरे मामा जी के लिए भी मैं दो शब्द ऐसे बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में सबके मामा जी होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, पर मैं मानता हूँ कि हम मामा मामा भांजा तो है ही, पर उसके ज़्यादा एक फ्रेंड भी है, एक फ्रेंड भी है। तो हमारा जो नेचुरल एक जो फ्रेंड का जो एक कनेक्शन है वो डिफरेंट है। तो एक म्यूजिशियन भी अच्छा है ये, ढोलक भी अच्छा बजाते हैं मेरे मामा जी। तो बस मामा जी से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है कि आज मैं बहुत महीने बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मेरे से मिलके कैसा लग रहा है उनको। किस प्रकार आज आप मारवाड़ी भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा और राजस्थान प्रदेश पूरा को मान सम्मान सवाई जी पूरी देश दुनिया में कैद कर रहे हैं। एक भांजा के रूप में, एक मित्र के रूप में, सखा के रूप में, एक सागर म्यूजिशियन के कलाकार के रूप में, तो यहाँ का सागर जिंदगी गुजारी। आज जब इंडियन आइडल के मंच पर आप देख रहे हो तो काई फील करो? फिर ऐसा करते हैं कि मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि आज 10 महीने से मेरे भांजे को मैं देखा हूँ और मिला हूँ, मेरे को इतना खुशी हुई है हद से ज़्यादा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे भांजा जैसे सबको भांजा दे। क्या अपील क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप आपके लोग और उनको सपोर्ट करेंगे, इंडियन आइडल के विजेता बनकर आए सवाई जी? और सभी देशवासियों से मेरा ये कहना है कि सवाई भाट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, सपोर्ट करें, विजेता बन के घर आए। हमारे साथ है, देखो सवाई जी के मित्र भी है, मामा जी भी का, और सुजला क्षेत्र नहीं पूरे राजस्थान के कलाकारों के सबसे प्रिय है एस मीडिया के अनिल जी शर्मा। अनिल जी, आपका सबसे मित्र ज्यादा खुशी है आज कि सवाई इंडियन आइडल में परफॉर्म कर रहा है और 10 महीने से आज इसके दर्शन हुए वापस। ये करणी माता के मंदिर डीडवाना में प्रोग्राम दिया, उसके बाद में मिलना ही नहीं हुआ। दानवीर जी जब भी मेरे को बोलते थे कि अनिल भैया इनको सपोर्ट करो, इनको वोट करो, तो मैंने मेरे चैनल पे इनके वीडियो लगाए, वोटिंग के लिए मांग की, कलाकारों से भी हाथ जोड़ के बोला कि भाई साहब आप मेरे को वीडियो दो, सवाई के लिए वोट करने के लिए बोलो। तो इतना ज़्यादा खुश हूँ, मेरा परिवार पूरा, मेरे रिश्तेदार पूरे, मेरे घर वाले जितने भी हैं और मेरे गांव वाले हैं, सब इस सवाई को ही सुनते हैं। और सवाई के जब वीडियो नहीं डालते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आने लग जाते हैं कि तुमने सवाई के वीडियो क्यों नहीं डाले। और इतना प्यार है सवाई का कि जब भी मैं इसको मैसेज करता हूँ तो हाथों हाथ रिप्लाई देता है, मामा जी ये है काम है, अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको काम जो वीडियो देता हूँ वो देता हूँ। राजकुमार जी के लिए उन्होंने मैंने कहा तो वीडियो दिया, कालू राम जी बिखंडिया के लिए भी इन्होंने वीडियो दिया, और उनको उस टाइम उनको बहुत दिमाग खराब हुआ कि राजस्थान की इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियों का नुकसान हुआ है, तो इसके आंसू नहीं थम पाए उसमें। इंडियन आइडल के शो के अंदर से बाहर निकल के इसने वीडियो दिया मेरे को, बोले मामा जी अभी ये वीडियो लगाओ, मेरे को तो शोक हो गया, बहुत बड़ा झटका लगा ये। तो मैं वापस यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सवाई को ऊंचाइयों तक
ले जावे भगवान, उतने भी सवाई को चाहने वाले हैं या मेरे को चाहने वाले हैं या कलाकारों को जो राजस्थान को सुनने वाले हैं, सबसे ज़्यादा सवाई को वोट करें, सपोर्ट करें, उस इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद। बिल्कुल, सवाई भाट इंडियन आइडल के विजेता बनकर आए, सुजला क्षेत्र राजस्थान पूरा देश का नाम रोशन करे, और ये बात याद रखनी होगी, ये तभी होगा जब आप ज़्यादा वोट करेंगे, क्योंकि राजस्थान के कलाकारों के प्रति और संगीत के प्रति सवाई के दिल में प्यार का सागर है। यहाँ राजकुमार जी के साथ आकस्मिक निधन हुआ था, कालूराम जी बिरखनिया या अन्य कलाकारों के साथ कोई होती है तो एक दर्द अपने आप सवाई भाई के दिल में उगता है, क्योंकि वो राजस्थान के कलाकार संगीत और राजस्थान से बहुत प्यार करते हैं।